मकान मालिक रात के समय अचानक अपने किरायेदारों का हाल जानने पहुंचता है। अनाज की टंकी से खून बहकर बाहर आने पर उसके होश उड़ जाते हैं। बदबू आने पर वो जब टंकी में झांक कर देखता है तो उसकी चीख निकल पड़ती है। उसके अंदर एक नौजवान का शव पड़ा हुआ था जिसे धारदार हथियार से कत्ल किया गया था। इसी कारण उसका खून टंकी से बाहर बह रहा था। रात के अंधेरे में दिल दहला देने वाला ये नज़ारा किसी भूतिया फिल्म का नहीं बल्कि हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में हुई कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात का है। आधी रात पुलिस कप्तान अजय सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसके बाद एसपी देहात और कोतवाली प्रभारी समेत सभी आला अधिकारी सुबह तक युवक की शिनाख्त करने में जुट गए। आखिरकार युवक की पहचान हुई। युवक पौड़ी गढ़वाल के चोरी खाल पाबो का नितिन भंडारी बताया गया। पुलिस अब नितिन के बगल में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला और उसके पार्टनर की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि चार दिन पहले ही दोनों मकान खाली कर गए हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि इन दोनों का हत्या में हाथ हो सकता है, इसलिए पुलिस टीम उनकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। युवक का शव करीब चार दिन पुराना बताया जा रहा है। उसके सर पर किसी धारदार चीज से हमला किया गया है, इसलिए काफी ज्यादा खून बहा है। मकान खाली करके गए किराएदारों की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है। उनकी गिरफ्त में आने के बाद ही कत्ल का राज फाश होने की उम्मीद है। इस वारदात में एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि भगवानपुर में थाने से कुछ दूरी पर चांद कॉलोनी में एक तीन मंजिल का मकान सिकंदर नाम के एक व्यक्ति ने किराए पर दिया था। इस बिल्डिंग में सभी आसपास के फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी रहते थे। महिला और उसके पार्टनर की तलाश करने के साथ ही अन्य किराएदारों को भी चिन्हित किया जा रहा है। कल देर रात्रि थाना भगवानपुर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि किराए के मकान में जो है वहाँ तीन युवक रहते थे और इसके बाद वो 30 तारीख को कमरा खाली करके चले गए और वहाँ पर कुछ संदिग्ध जो है कंटेनर मिला था। उसमें जब उसकी जांच की गई तो उस कंटेनर में एक डेड बॉडी मिली जिसकी बाद में शिनाख्त नितिन निवासी पाबो के रूप में हुई थी, जो पौड़ी गढ़वाल का निवासी था। अन्य जानकारी के बाद पता चला हुआ यहाँ पर एक फैक्ट्री में कार्यरत था, तो अन्य लोगों से जानकारी के पता चला कि वो 28-29 तारीख से गायब था और इस संबंध में कहीं कोई शिकायत नहीं दी गई थी। जो संदिग्ध लोग प्रकाश में आए हैं उनको उनके लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं ये अचानक से मर्डर का कोई लगता है कि अचानक से कोई घटना हुई है या कोई वाकयात हुआ जिसके कारण ये मर्डर घर पर ही कर दिया गया और किराए का कमरा खाली करके चले गए। टीमों को रवाना कर दिया है और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाएगी। भगवानपुर से न्यूज स्टूडियो के लिए मुर्सलीन अलवी की रिपोर्ट।